चंद्र और नंदिनी, दो ऐसे नाम जो बार बार एक दूसरे से जुदा हुए पर फिर भी जब जब दिल धड़का तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए। बिना कहे एक दूसरे की बात समझने वाले चंद्र और नंदिनी आने वाले टाइम में आ जाएंगे एक दूसरे के और करीब। लेकिन यहाँ चाणक्य यानी कि चंद्रगुप्त के गुरुजी गुरु चाणक्य को हो सकती है थोड़ी तकलीफ। चाणक्य पहले से ही नंदिनी और चंद्र की नजदीकियों से थोड़े परेशान थे। इसके साथ ही अब नंद के पौत्र यानी कि नंदिनी अपने भतीजे की जान बचाना चाहती है चाणक्य और चंद्र से। इसलिए उसने चंद्र से कहा भी है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो एक अबोध बालक है। पर चंद्र अपने प्रण के कारण मजबूर है, लेकिन फिर भी नंदिनी की बातों को वो नजरअंदाज नहीं कर पाया है। ऐसे में अब चंद्र इस बात को जब रखेगा चाणक्य के सामने तो हो सकता है कि दोनों के बीच हो जाए थोड़ी अनबन और एक बार फिर नंदिनी को लेकर भिड़ जाए गुरु और शिष्य आपस में। सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, जुड़ जाएं हमारे साथ और कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं कि इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय। टॉप न्यूज की रिपोर्ट।